नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। आपके साथ मैं हूं नेहा परिहार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन का शिलान्यास और भूमि पूजन किया। इस समारोह में कई राजनीतिक दलों के नेता, केंद्रीय मंत्री और कई देशों के राजदूतों ने शिरकत की। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने भूमि पूजन किया। इस 4 मंजिला नए संसद भवन का निर्माण 971 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत 64,500 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में किए जाने का प्रस्ताव है। इसका निर्माण कर भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ तक पूरा कर लिया जाएगा। इस संसद भवन में हर संसद सदस्य को पुनः निर्मित श्रम शक्ति भवन में कार्यालय के लिए 40 वर्ग मीटर स्थान उपलब्ध कराया जाएगा, जिसका निर्माण 2024 तक पूरा किया जाएगा। नए संसद भवन के निर्माण का प्रस्ताव उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू एवं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने राज्यसभा और लोकसभा में 5 अगस्त 2019 को किया था। नए संसद भवन का डिजाइन अहमदाबाद के मेसर्स HCP डिजाइन और मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड की ओर से तैयार किया गया और इसका निर्माण टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड की तरफ से भी किया जाएगा। नए भवन को सभी आधुनिक दृश्यों, श्रव्य संचार सुविधाओं और डाटा नेटवर्क प्रणाली से सुसज्जित किया जाएगा। इसमें यह सुनिश्चित करने के लिए विशेष ध्यान भी दिया जा रहा है कि निर्माण कार्य के दौरान संसद के सत्रों के आयोजन में कम से कम हस्तक्षेप हो और पर्यावरण संबंधी सभी सुरक्षा उपायों का पालन भी किया जाए। लोकसभा सचिवालय के मुताबिक नए संसद भवन के लोकसभा कक्ष में 888 सदस्यों के बैठने की व्यवस्था होगी, जिसमें संयुक्त सत्र के दौरान 1,224 सदस्यों के बैठने की व्यवस्था होगी। इसी प्रकार राज्यसभा कक्ष में 384 सदस्यों के बैठने की व्यवस्था होगी। नए संसद भवन में भारत की गौरवशाली विरासत को भी दर्शाया जाएगा। देश के कोने कोने से आए दस्तकार और शिल्पकार अपनी कला और योगदान के माध्यम से इस भवन में सांस्कृतिक विधि विधा का समावेश करेंगे। नया संसद भवन आधुनिकी तकनीकी सुविधाओं से युक्त और ऊर्जा कुशल होगा। मौजूदा संसद भवन से सटी त्रिकोणीय आकार की नई इमारत सुरक्षा सुविधाओं से लैस होगी। नई लोकसभा मौजूदा आकार से 3 गुना बड़ी होगी और राज्यसभा के आकार में भी वृद्धि की गई है। नए भवन की सज्जा में भारतीय संस्कृति, क्षेत्रीय कला, शिल्पी और वास्तुकला की विविधता का समृद्ध मिलाजुला स्वरूप होगा। डिजाइन योजना में केंद्रीय संवैधानिक गैलरी को अनुदान दिया गया है, आम लोग इसे देख सकेंगे। नए संसद भवन के निर्माण में हरित तकनीकी का इस्तेमाल होगा और पर्यावरण अनुकूल कार्यशैली को बढ़ावा दिया जाएगा। इससे रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे और आर्थिक पुनरुद्धार के द्वार भी खुलेंगे। इसमें उच्च गुणवत्ता वाली आंतरिक सुविधाएं होंगी, साथ ही बैठने की आरामदायक व्यवस्था, प्रभावी और समावेशी आपातकालीन निकासी की भी व्यवस्था होगी। इमारत उच्चतम संरचनात्मक सुरक्षा मानकों का पालन करेगी, जिसमें भूकंपीय क्षेत्र 5 की आवश्यकताओं का पालन भी करना शामिल है और इसे रखरखाव तथा संचालन में आसानी होने के लिए डिजाइन किया गया है। नया संसद भवन भारत के लोकतंत्र और भारतीय वासियों के गौरव का प्रतीक होगा, जो न केवल देश के गौरवशाली इतिहास बल्कि इसकी एकता और विविधता का भी परिचय देगा। वर्तमान संसद भवन का निर्माण प्रसिद्ध वास्तुकार सर एडविन और सर हर्बर्ट बेकर की निगरानी में किया गया था। इसकी आधारशिला 12 फरवरी 1921 को डाइक्यू ऑफ कर्नाट में रखी गई थी। आपको बता दें कि मौजूदा संसद भवन का व्यास 560 फीट है, इसकी परिधि 1/3 मील है और इसका क्षेत्रफल लगभग 6 एकड़ है। इसके प्रथम तल के खुले बरामदे के किनारे पर क्रीम रंग के बालुई पत्थर के 144 स्तंभ लगे हैं, जिनकी ऊंचाई 27 फीट है। ये स्तंभ इस भवन को एक अनूठा आकर्षण और गरिमा प्रदान करते हैं। पूरा संसद भवन लाल बालुवी पत्थर की सजावटी दीवार से घिरा हुआ है, जिसमें लोहे के द्वार लगे हुए हैं। कुल मिलाकर इस भवन में 12 गेट हैं। मौजूदा संसद भवन का निर्माण 6 साल में पूरा हुआ है और निर्माण पर 83 लाख रुपए की लागत आई थी। आज की स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर। नमस्कार।